दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, कुंडली भाग्य फेम एक्टर संजय गगनानी ने 28 नवंबर को अपनी प्रेमिका पूनम प्रीत से शादी करके सात फेरे लिए हैं और उनकी शादी में श्रद्धा आर्या की ऑन स्क्रीन बहन अंजू फकीर सहित टीवी के कई कलाकार शामिल हुए थे, जो बेहद खुश नजर आए थे। लेकिन संजय गगनानी की शादी में अभिनेत्री श्रद्धा आर्या नजर नहीं आई। जी हाँ दोस्तों, श्रद्धा आर्या दूर दूर तक अपने को स्टार संजय की वेडिंग में नहीं दिखी थी। तो आखिरकार क्या वजह रही है श्रद्धा आर्या के संजय की शादी में शामिल ना होने की? आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस बारे में, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। शादियों का मौसम है और हमने पहले ही कई मशहूर हस्तियों को शादी के बंधन में बंधते हुए देखा है, चाहे वो बॉलीवुड के राजकुमार राव हो या फिर टेलीविजन की श्रद्धा आर्या। लेकिन अब उन हस्तियों में अभिनेता संजय गगनानी का भी नाम शामिल हो चुका है, जिन्होंने 28 नवंबर को अपनी प्रेमिका पूनम से बड़े ही धूमधाम से शादी की थी। और उनकी शादी में जहां सुप्रिया शुक्ला, अंजुम फकीर, अभिषेक कपूर, रोहित चतुर्वेदी जैसे कई कलाकार शामिल हुए थे, मगर सबसे बड़ी बात, इनकी शादी में अभिनेत्री श्रद्धा आर्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी को दिखाई नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि श्रद्धा ने संजय की शादी में शिरकत ही नहीं की थी, क्योंकि जैसा सभी जानते हैं कि श्रद्धा की हाल फिलहाल ही में अभी नई नई शादी हुई है और शादी के चलते वो एक तरफ अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी है तो एक तरफ अपने हनीमून पर फोकस कर रही है। और इसी के चलते श्रद्धा के पास इतना टाइम नहीं था कि वो दिल्ली जाकर अपने को एक्टर संजय गगनानी की शादी में शामिल हो सके। पर हो सकता है कि संजय, अभिनेत्री श्रद्धा आर्या संजय की रिसेप्शन पार्टी में शामिल हो। वेल दोस्तों, आपको संजय गगनानी की शादी कैसी लगी है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।